सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेके ट्यूटोरियल। आज हम सीखेंगे कुछ न्यू, कुछ समथिंग क्वेश्चन टैग टाइप। क्वेश्चन टैग मालूम है ना तुमको? क्वेश्चन टैग, हाँ वो सीखने वाले हैं। अरे बच्चा तू जा, तू मेरा ऑक्सिलरी वर्ब देख, सब कुछ देख, वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर, उसमें मैंने लिंक्स दिए हैं। ज़्यादा बड़े बड़े मैंने वीडियोस भी नहीं अपलोड किए तेरे लिए। देखो सिर्फ जाने का है उधर, उधर सिर्फ तेरे को देखने का है बस। और तुझे पूरा एकदम ट्रिक के साथ ग्रामर के कॉन्सेप्ट समझेंगे बच्चा। तू सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर, उसमें तेरे को सब चीज समझेगा। सब चीज मैं क्या बोल रहा हूँ, सब चीज समझेगा। अभी हम चालू करें क्वेश्चन टैग, और क्वेश्चन टैग में ऑक्सिलरी वर्ब का बहुत मायने है। और वो मैंने ऑक्सिलरी वर्ब इसके पहले वीडियो में मैंने गाने के साथ बताया है। वहां जा और चेक कर, और लास्ट तक वीडियो देखो बच्चे लोग, तभी तुमको ग्रामर समझेगा, या तो कुछ नहीं समझेगा। तो आज हम सीखने वाले हैं क्वेश्चन टैग। सर क्वेश्चन टैग में मेरा बहुत बहुत रॉन्ग जाता है सर, बहुत रॉन्ग जाता है। क्वेश्चन मार्क डालना भूल जाता हूँ, कॉमा कहाँ डालने का, डिडंट में एंटी के बीच में डालने का कि उसके पहले डालने का, मैं सब बताने वाला हूँ। इस वीडियो में तुम्हारा सब डाउट क्लियर होने वाला है। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, छोटा वीडियो होगा, और तुम पूरा, मैं 100% गारंटी देता हूँ कि तुम लोग सीख जाओगे आज क्वेश्चन टैग ट्रिक के साथ। सो क्वेश्चन टैग पढ़ने से पहले अपने को मालूम करना चाहिए कि ऑक्सिलरी क्या होता है। ऑक्सिलरी क्या होता है? तो ऑक्सिलरी क्या होता है बच्चों? इज, एम, आर, वॉज, वेयर, कैन, कूड, शैल, शुड, विल, वुड, हैव, सेड, मे, माइट, मस्ट, डू, डस, डिड। ठीक है, ये सब क्या होता है? ऑक्सिलरी। सिर्फ मे, माइट, मस्ट ऑक्सिलरी क्वेश्चन टैग में नहीं लगता, बाकी पूरा ऑक्सिलरी काम आने वाला है। इसलिए तू मेरे पहले का वीडियो देख कि कैसे सर मगअप कर रहे ऑक्सिलरी। मैंने इसलिए वो वीडियो जानबूझ कर बनाया कि ऑक्सिलरी मगअप कर सकते हैं। ओके, इसलिए ये वीडियो में भी मैंने स्लाइड वाला दिया है। इज, एम, आर, वॉज, वेयर, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, हैव, हैज, हैड, मे, माइट, मस्ट, डू, डस, डिड। अभी मैं आगे की स्लाइड में जा रहा हूँ। ये स्लाइड में बस इतना ही है कि ऑक्सिलरी क्या होता है, और क्वेश्चन टैग से पहले अपने को ऑक्सिलरी आना चाहिए, इसलिए मैंने ये स्लाइड दिखाया। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये वाले ऑक्सिलरी मेरे हिसाब से एंटिक ही होते हैं। ये वाले ऑक्सिलरी मेरे हिसाब से बहुत एंटिक होते हैं। 90% इसके ऊपर ही क्वेश्चन आता है, डू, डज, डिड। ये क्यों एंटिक बोल रहा हूँ मैं समझाता हूँ आगे, फिर तुम लोग को भी लगे कि ये एंटिक है। देखो कभी, अरे कब, अरे बहुत से सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज, वेयर, कैन, कूल, शैल, शुड, हैव, हैज, हैड, ये नहीं आता, ये सब नहीं आता। उस टाइम पे हम लोग को वहाँ डू, डज इस्तेमाल करना है। अगर सेंटेंस में ऑक्सिलरी नहीं आता है तो वहाँ हम कौन सा ऑक्सिलरी इस्तेमाल करते हैं? डू, डस, डीज। कब इस्तेमाल करते हैं? जब सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज, वेयर, ऑक्सिलरी वर्ब ये सब नहीं आता, तब हम लोग डू, डस, डीज इस्तेमाल करते हैं। अब कब इस्तेमाल करते हैं सर बताओ? तो देखो, डू कब इस्तेमाल करते हैं? जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब डांस, सिंग, प्ले। मैंने इधर एग्जाम्पल भी दिया तुम लोगों, बच्चे लोग इतना अच्छा देखो, डांस, सिंग और प्ले और स्विम, रन, ईट, राइट, ये सब क्या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। अगर ऐसा आता है तो फिर आप उन क्या इस्तेमाल करते हैं? डू। जैसे कि राम डांस नाइसली, तो उधर आया मैंने इज़ एम आर लगाया, राम डांस नाइसली। देखो राम डांस नाइसली मेरे सेंटेंस पे जाओ, नहीं ना इज़ एम आर नहीं लगाया। अगर इज़ एम आर नहीं लगाया है तो, लेकिन डांस कौन से फॉर्म में मेरा, राम डांस नाइसली में डांस कौन से फॉर्म में, फर्स्ट कौन सा टैग लगेगा? डू। मैं आगे सब बताऊंगा कैसे लिखना है, पहले इतना समझो ठीक है। अब डज, अब डज में क्या होता है, वो आपके साथ ई एस और एस जुड़ता है। क्या जुड़ता है बच्चा? ई एस और एस जुड़ता है। देखो अभी ये हो गया डांसेस, ये हो गया सिंग्स, और ये हो गया प्लेस, सॉरी इधर प्लेस आएगा, प्लेस ठीक है। मतलब वो आपके साथ एस ई एस जुड़ता है, ये वर्ब है, इधर एस ई एस आता है ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हम लोग उसको बोलते हैं डज लगाने का। अगर सेंटेंस में इज, एम, आर नहीं आता है और वर्ब के साथ एस ई एस जुड़ता है, तो तभी हम लोग कौन सा ऑक्सिलरी लगाते हैं बच्चे लोग, बोलो जोर का मेरे साथ, कमेंट में लिखो। सर डज लगाते हैं हम लोग, सर डज लगाते हैं ठीक है। हाँ बच्चे लोग, हम लोग डज लगाते हैं। कब? अगर फर्स्ट फॉर्म में रहेगा तो डू, सेकंड, और अगर एस ई एस रहेगा आपके साथ तो डज लगाते हैं। ओके, अब सर ये डीड कौन सी चिड़िया का नाम है तनी बताओ तो?
ठीक है। अरे बताता हूँ ना बच्चे लोग, डरते क्यों। डीड कब आता है? अभी अभी जब वर्ब फर्स्ट फॉर्म में भी नहीं रहता है, सेंटेंस में इज एम आर भी नहीं रहता है, और सेंटेंस में वर्ब के साथ एस ई एस भी नहीं रहता है, तो क्या रहता है? वर्ब रहता है पास्ट टेंस में। राम रोट्स लेटर, दे डांस्ड नाइसली, ये सब रहता है ना। तब हम लोग कौन सा ऑक्सिलरी लगाते हैं? हम लोग लगाते हैं डीड। कौन सा ऑक्सिलरी? डीड लगाते हैं जब वर्ब पास्ट टेंस में होता है तब, जैसे कि डांस्ड, प्लेड, सैंग, रोट, राइट। कब? अगर सेंटेंस में इज एम आर वॉज वेर नहीं आता है और वर्ब थर्ड थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट टेंस, सॉरी पास्ट टेंस में रहता है, तब हम लोग कौन सा ऑक्सिलरी लगाते हैं? डीड। अब समझा? अभी मैं एग्जाम्पल आगे दूंगा, एग्जाम्पल तो तुम लोग समझोगे, उदाहरण दूंगा मैं आगे। ओके अब देखो बच्चे लोग, मैंने ये वाला भी पीपीटी दिया है, इसलिए बोले मेरा नोट्स प्रीफर करो ग्रामर का, और एक अपना एक अच्छी बुक बनाओ और उसमें सब लिखो। अब देखो हाउ टू राइट, कैसे लिखते हैं इसको, देखो टैग लगा के मैं बता रहा हूँ, तो अगर तुम ऐसे लिखते हो तो पूरा तुमको दो दो मार्क्स मिलेंगे, पूरे 2 मार्क्स या 1 मार्क्स का तो आता ही है एग्जाम में। देखो अगर नॉट है, मतलब अगर सेंटेंस में नॉट आता है, अगर क्वेश्चन तुमको दिया ऐसा राम इज नॉट प्लेइंग, तब कैसे लिखोगे? राम है, ऑक्सिलरी वर्ब भी आया है और नॉट प्लेइंग भी आया है ना, ऑक्सिलरी वर्ब भी आया और नॉट भी आया सेंटेंस में, तब जब नॉट है तो क्या करना है अपने को? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस प्रोनाउन। अब ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस होता है, फिर अपने को कॉमा डालना है सेंटेंस के बाद, मतलब राम इज नॉट प्लेइंग कॉमा ऑक्सिलरी वर्ब और प्लस प्रोनाउन। ये फॉर्मूला है बच्चे लोग, ये लिख लो, मैं आगे एग्जांपल भी दूंगा और उसका तुम कोरिलेट कर लेना, एकदम सेम रहेगा। ओके वैसे ही अगर सेंटेंस में नॉट नहीं है, देखो इधर से मैंने ऑक्सिलरी वर्ब डाला, एक मिनट मैं पेंसिल से बता देता हूँ, उससे समझ जाएगा तुम लोग को, एक मिनट। हाँ देखो इधर मैंने सिर्फ इधर ऑक्सिलरी वर्ब डाला, इधर नॉट मैंने नहीं जोड़ा, क्यों? अगर सेंटेंस में नॉट है, अच्छे से ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो, कीप अटेंशन टू हियर। अगर सेंटेंस में नॉट है तो ऑक्सिलरी वर्ब में नॉट नहीं डालने का, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब में नॉट नहीं डालने का। अगर सेंटेंस में नॉट नहीं है, सेंटेंस में नॉट नहीं है, तो ऑक्सिलरी वर्ब में नॉट डालने का। देखो मैंने इधर नॉट डाला, उधर नहीं डाला, बस बाकी सब सेम, बाकी सब राम कहानी सेम। ओके सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस प्रोनाउन। अगर अगर सेंटेंस अगर नॉट है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट प्लस प्रोनाउन। ओके इतना समझा? मैं आगे और ट्रिक दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इतना समझा तो कमेंट बॉक्स में यस लिखो। ओके अब देखो बच्चों लोग, यही है मेरा इंपॉर्टेंट ट्रिक, नॉट है तो हटाओ, नॉट अगर है सेंटेंस में तो उसको हटाओ, और नॉट नहीं है तो लगाओ ऑक्सिलरी वर्ब के साथ, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ, नॉट है तो हटाओ, नहीं है तो लगाओ, ये याद कर लो, ये मेन है। इधर ही बच्चे लोग ज़्यादा रॉन्ग करते हैं, तो तुम लोग ध्यान रखो। ओके ये एक शायरी में, नॉट है तो हटाओ, नहीं है तो लगाओ, नॉट है तो हटाओ, नहीं है तो लगाओ। इधर बच्चे लोग मैंने पूरा एग्जाम्पल्स दिए, देखो राम प्ले फुटबॉल, अगर आएगा क्वेश्चन तो तुम क्या करोगे? देखो अच्छे से देखो, इधर इधर ही तो ध्यान देने का है अभी तुम लोगों। रुको मैं ले लेता हूँ एक पेन हाथ में और तुमको बताता हूँ। देखो राम प्ले फुटबॉल, ओके राम प्ले फुटबॉल, देखो प्ले के साथ एस जुड़ा है, फर्स्ट फर्स्ट एग्जांपल देखो, जो प्ले है उसके साथ एस जुड़ा है, जो प्ले है ना उसके साथ एस जुड़ा है। एक मिनट इधर से ले लूँ मैं, थोड़ा छोटा, जो ये प्ले है ना, देखो प्लेस के साथ ये देखो इधर एस जुड़ा है, देखो इधर 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 इतना मोटा कर रहा हूँ मैं, देखो प्लेस का एस जुड़ा है, तो
तो अगर एस जुड़ता है और सेंटेंस में नॉट है, क्या ढूंढो? नॉट, अरे सर नहीं है इधर सेंटेंस में नॉट, तो नॉट नहीं है तो अपने को लगाना है, ठीक है? तो नॉट लगाया, देखो इधर नॉट लगा, एंटी, देखो फॉर्मेट देखो, एंटी कैसे होते हैं, एंटी मतलब नॉट होता है, फिर एस रहता है तो क्या लगता है? डज लगता है, क्या लगता है? डज, मैंने बोला था वो अगर वो आपके साथ एस ई एस है, वो आपके साथ एस ई एस है तो फिर आप उन क्या लगाते हैं? डज लगाते हैं, तो डजंट, और राम क्या है? प्रोनाउन में बोला था ना, तो प्रोनाउन क्या है? राम क्या है? ही, तो डजंट ही। बस इधर तुमको मिलता है एक मार्क्स, कितना मिलता है? एक मार्क्स, बोलो बल्ले बल्ले, ठीक है, बल्ले बल्ले, ठीक है, एक मार्क्स इधर मिल जाता है एकदम अच्छे से, टीचर भी खुश, मैं भी खुश, बोलो जय श्री राम, ओम साई राम, टीचर भी खुश और हम भी खुश ना, हमको भी मार्क्स मिल गया तो अच्छा ही है ना। वैसे ही देखो, राम प्ले फुटबॉल, अब बताओ इधर, हाँ बता 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 बताओ, हाँ राम प्ले फुटबॉल, क्या आएगा? प्ले के साथ एस लगा है? नहीं लगा है, फर्स्ट फॉर्म में मतलब, ना पास्ट टेंस है ना फर्स्ट। अब देखो नॉट है कि नहीं सेंटेंस में, अरे सर मेरे को तो नॉट दिख रहा ही नहीं है, तो नॉट नहीं है तो क्या है? लगाना है बच्चे लोग, और लगाया मैंने डू के साथ एंटी, तो डोंट हो गया, और प्रोनाउन डाल दो, राम क्या है? लड़का है, अरे लड़की है क्या? अरे लड़का है ना, राम सिया राम, तो सिया राम जय जय राम राम राम, ठीक है, मालूम है ना लगाना? हाँ, तो राम लड़का है तो ही। अब देखो मैंने सब एग्जांपल दिया है, सब कैरी किया है, तो तुम लोग भी वही करो। अब देखो राम प्लेड फुटबॉल, अब इधर कौन से में है, कौन से में है ऑक्सिलरी? प्लेड ईडी में है, पास्ट टेंस में है, तो डिड आएगा, और सेंटेंस में नॉट नहीं है तो लगाना है, तो एंटी, और वही राम सिया राम, ठीक है, राम ही हो गया, ठीक है। अभी देखो इधर, इधर अभी ये इसमें ये तीनों एग्जाम्पल्स में इज एम आर कुछ भी यूज नहीं हुआ था। अगर बाय चांस तुम्हारे साथ इज एम आर आता है, तुम्हारे उसमें पेपर में इज एम आर करके कुछ आता है, तो तुम क्या करोगे? दिखा देता हूँ, देखो इधर इधर इज आया, देखो इज आया, ये तो इज आएगा, तो इज डाल दो, और सेंटेंस में नॉट है नॉट, नहीं है ना तो लगा दो, इजंट ही, ये बहुत ईजी है, इज आया, लेकिन सेंटेंस में देखो नॉट है इधर, अरे बाप रे, इधर नॉट है, मैंने दिया लास्ट में, तुम्हें लगा, देखो नॉट, नॉट नहीं लगा तो इज ही, ओके समझा? इतना ही था। एक मिनट, जाने से पहले हम लोग, हमारा टेंस ख़त्म हो गया, जाने से पहले मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ इधर ही देखो, इज का होता है इजंट, एम का, एम का होता है आरंट, एम का कौन सा ऑक्सिलरी लगता है? आरंट, आर का भी आरंट, वॉस का वॉजंट, वैन वेर का वेरंट, कैन का कैन नॉट या कांट, कुड का कुडंट, शाल का भी आरंट होता है, ठीक है, शैलेंट नहीं होता, आरंट होता है, शुड का शुडंट, व्हील का वोंट, व्हील का क्या होता है? वोंट, वुड का वुडंट होता है, हैव का हैवंट, हैज का हैजंट, हैड का हैडंट, और डू डस डिड तो तुमको मालूम, मैंने बता दिया है कैसे करने का, ठीक है, मतलब एंटी लगा के मैंने बताया, ठीक है, एंटी लगा के, वो भी लिख लेना, ओके। तो इसके साथ अभी ये सेशन हम लोग एंड करते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, कुछ बात भी करने का था बच्चे लोग, तुम लोग से बच्चे लोग, देखो मेरे भगवान के कृपा से और तुम लोग के कृपा से, तुम लोग के ब्लेसिंग्स से, कि मेरे को इधर ही ना अंदर से बोलता हूँ, मेरे को बहुत वो मिलता है, एक बोलते हैं ना जज्बा मिलता है कि पढ़ाओ बच्चे लोग को, पढ़ाओ, क्यों? क्योंकि तुम लोग के व्यूज़ देख के, देखो ज़्यादा व्यूज़ नहीं है मेरे, लेकिन तभी भी जितने व्यूज़ है वही देख के मेरे को दिल से एकदम अच्छा लगता है कि हाँ चलो मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ तो बच्चे लोग, तुम लोग देख रहे हो जैसे, वैसे सब्सक्राइब भी कर दिया करो, सब्सक्राइब करने से क्या है मेरे को ये मालूम पड़ता है कि हाँ मेरे बच्चे लोग अच्छे हैं, मेरे को क्या एक हौसला मिलता है, और मेरे को वो अगर मैं देखता हूँ तो उसके और अच्छा मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ बच्चे लोग, देखो मैं बहुत सुबह वीडियो बना रहा हूँ उठ के, ठीक है, तो बहुत मेहनत लगता है बच्चे लोग, तुम लोग को सिर्फ एक लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करो ना अपने दोस्तों से, मैंने चेक किया तो उससे मेरे को ये डेटा मालूम पड़ता है कि बहुत सारे व्यूवर्स आते हैं लेकिन बिना सब्सक्राइब करके चले जा रहे, क्यों बच्चे लोग ऐसा कर रहे हो?
क्यों बच्चे लोग ऐसा कर रहे हो, तो सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। इतना अच्छा मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग के लिए, पढ़ा रहा हूँ मैं पहले ही बोल रहा हूँ, सिर्फ आपको सिर्फ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है बच्चे लोग। इससे क्या है, मुझे भी खुशी मिलती है और एक बोलते हैं ना दिल में कॉन्फिडेंट मिलता है कि मैं और अच्छा पढ़ाऊंगा और अच्छा वीडियो बनाऊंगा। अब लाइक कर दिया करो, शेयर सब्सक्राइब और सपोर्ट अवर चैनल। आप लोग का सपोर्ट ऐसे ही बना रहे। बाय बाय बोलने से पहले फ्लाइंग विद द विंग्स ऑफ सक्सेस कुछ मोटिवेट करना चाहूंगा। जब तू आया जिंदगी में, याद से, जब तू आया जिंदगी में, जग हंसा तू रोया। क्या? जग हंसा तू रोया। जब तू आया जिंदगी में जग हंसा तू रोया, ऐसा करनी कर, ऐसा संघर्ष कर जिंदगी में, ऐसा संघर्ष कर जिंदगी में कि जग रोए और तू हंसे, तू हंसे। मैंने बहुत बड़ी बात बोल दी है, सोचना, दिमाग लगाना मैंने क्या बोला और इस पे गौर करना, ठीक है? चलो इसके साथ मैं विदा लेता हूँ। बाय बाय एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे टू यू ऑल।